ये डायलॉग वैसे उस पर कई बार चिपका दिया भाई, ये डायलॉग काट दियो। ना ना काटूंगा नहीं बेटे, एडिटिंग कुछ नहीं होगी इसमें, जो होगी। यमुना का किनारा पार लगा दे यारा। ये भाई साहब मैं कह रहा था ना, जरे में कैप्चर करना इसे मुश्किल है, पर भाई 50,000 खर्च कर इतनी तो कैप्चर करेगा ये। अबे मेरी बन रही है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, भाई भी बढ़िया है। देखो दिल्ली में भी कई सारी जगह जो है हमारी, मतलब जिन्हें ऑफ बीट प्लेसेस कहते हैं, तो दिल्ली में भी कई ऑफ बीट जगहें हैं। उन्हीं ऑफ बीट जगह में से आज हम जाएंगे, मैं जाऊँगा और एक मेरा दोस्त है। देखो रात में तो इसे मैं कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन दिन में ही आ जाता है। तो इसके साथ और बाइक पर जाएंगे, आज बाइक की राइड मारेंगे। ऑफ बीट जगह है तो वहाँ चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको एक प्यारी सी, वैसे थंबनेल में आपने देख लिया, यमुना का किनारा, सुंदर सुंदर मंदिर है ना, तो वहीं आपको लेके चल रहे हैं। चलो तो ये अपनी घोड़ी है भाई, डिस्कवर कितनी सीसी की है? 125। लाल चौधरन को रेस्ट देंगे आज, आज दूसरी लाल है अपनी। चलो भाई लोगो चलते हैं। भाई साहब गाड़ी की तो बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है मुझे, असली मजा तो बाइक का ही है। ये जो देख रहे हो आप, ये बुराड़ी है। गाड़ी छोड़ के बाइक पर आने वाला हूँ मैं तो आज की राइड के बाद। यार गाड़ी की बहुत बुरी आदत लगी हुई है, मैं लाइटिंग करने जा रहा हूँ तो भी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कोई मतलब थोड़ी ही है, है? भाई साहब एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, देखो मैं हूँ बिना हेलमेट, है ना, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अगली बार से ध्यान रखूँगा। बिना हेलमेट के बिल्कुल भी बाइक की सवारी नहीं करनी है, बहुत ज़रूरी है, देखो है ना। तो उसके लिए कान पकड़ के, सॉरी कान पकड़ नहीं सकता अभी, दूसरे हाथ में फ़ोन है ना, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना और मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए।
भाई हो, दिल्ली का एक रूप ये भी है, शांति और बढ़िया हिसाब किताब है। ये नहीं है कि दिल्ली का सिर्फ वही है भीड़ भाड़ वाला इलाका, ये भी एक रूप है। और इतने प्यारे रास्ते हैं, खैर रास्ता तो अभी बनाए चौड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त रास्ता बना हुआ है। और सामने ये है प्रकृति की खान, जमुना जी नीचे ले लिए सही रास्ता है। जमुना का किनारा पार लगा दे यारा। फाइनली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, ये देखिए हरे हरे खेत, पीछे इधर ही कहीं जमुना है। यहाँ एक प्यारा सा छोटा सा शनि मंदिर भी है, तो शनि महाराज के भी दर्शन कराएंगे आपको और जमुना जी के भी दर्शन कराएंगे। और इसके तो दर्शन आप कर ही चुके हैं, ये लगा के साइड। तो भाई लोगों फाइनली लोकेशन पर पहुंच गए हैं, यहाँ पीछे देखो शनि मंदिर है और यही एक सुंदर सा पेड़ है, ये देखो पीपल का। अच्छा यहाँ की एक ख़ास बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये जो पीपल का पेड़ है इसके नीचे यहाँ देखो झूला है, बच्चे खेलते रहते हैं, वैसे तो झूलते रहते हैं इसमें। यहाँ आप कितनी भी गर्मी में आ जाओ, कितनी भी गर्मी का टाइम हो, जून जुलाई का महीना उमस का टाइम हो, लेकिन यहाँ कभी भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, बढ़िया अच्छी हवा चलती रहती है और एक बेहतरीन जो एक मॉडरेट मौसम कहते हैं ना, जिसे जिसमें आदमी एंजॉय कर सकता है, बैठ सकता है थोड़ा शांति में, तो इस तरीके का है हम, बिल्कुल माहौल ऐसा रहता है इस पेड़ के नीचे, मज़ा आता है। और पीछे ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये यहाँ से आने का है और साथ में ही पार्किंग है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा जगह है, आराम से आप 20-30 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। ये यहाँ मंदिर हो गया, ये पेड़, और पीछे आप देख रहे हो वो जमुना जी है। इधर ये सारे गांव वालों के खेत वगैरह हैं, अभी खेती करते हैं, हालांकि ये सरकारी ज़मीन है, ये सारी एक्वायर हो चुकी है, खादर का वो है हिस्सा, लेकिन फिर भी गांव वाले अभी भी इसमें खेती वगैरह करते हैं। इधर जो देख रहे हो आप, इधर सामने है जगतपुर गाँव है, बुराड़ी का हिस्सा है, तो हम उसी जगह आए आज। और देखो ये भाई साहब, मैं कहता ना देर में कैप्चर करना इसे मुश्किल है, पर भाई 50,000 खर्चा इतनी तो कैप्चर करेगा ये। चलो आ जाओ एक बार मंदिर में चलते हैं। हाँ मंदिर में चलते हैं, चलो भाई आओ मंदिर में चलते हैं एक बार। और देखिए कितना सुंदर वो बना हुआ है। अच्छा एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, देखना अभी, ये तो हनुमान जी हो गए।
देखो भाई वास्ता का ध्यान रखना है, जूते चप्पल बाहर निकाल गए। अखंड सीताराम संकीर्तन। अच्छा ये बताना भाई, कोई अगर जानता है तो ये कौन सी कला है, मतलब किस उसमें बना हुआ है मंदिर? ये सारा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बांस नहीं होता, बांस के जो बंबू होते हैं उन्हीं से बना हुआ है। ये सामने परिक्रमा के लिए ट्रैक है। जबरदस्त शांति है, जबरदस्त मजा आ रहा है।